दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू नू काबू किया है। जो लाल किला हिंसा मामले विच मुख मुलजम ने दीप सिद्धू जिसनू की मास्टरमाइंड दसिया जा रहा है उसनू दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने काबू कर लिया। दिल्ली हिंसा मामले विच मुलजम है दीप सिद्धू जिसनू की काबू कर लिया गया। दस दें कि 26 जनवरी को लाल किले से दीप सिद्धू मौजूद सी। 26 जनवरी तो बाद वो फरार चल रहा सी जिससे कि इनामी राशि भी रखी गई सी। पुलिस ने दीप सिद्धू से 1 लाख रुपए का इनाम रखा सी। लगातार उसकी पालकी की जा रही सी। हालांकि अजय विचकार उस तो वालों लगातार सोशल मीडिया से वीडियोज भी पोस्ट की जा रही सन। अपने आप निर्दोष भी दस रहा सी कि उस वालों अजिहा कुछ नहीं किया गया अते उसनू टारगेट किया जा रहा है लेकिन उसकी जड़ी लगातार पाल की जा रही थी। सो हुण दिल्ली पुलिस से स्पेशल सेल ने उसनू काबू कर लिया है। दस दिए कि कुल 8 लोग जिन्हों से इनामी राशि रखी गई थी उन्होंने दीप सिद्धू जिससे कि 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया सी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसनू हुण काबू किया है। दिल्ली हिंसा मामले के मुलजम है दीप सिद्धू जिसनू की मास्टर माइंड भी दसिया गया है। अजे विचकार लगातार उसकी पाल जड़ी है की जा रही सी ते वो फरार चल रहा सी। 26 जनवरी लाल किले से वो मौजूद सी ते उस वालों उस वेले जो कुछ भी घटना वापरी अपने फेसबुक पेज से भी उसको लाइव जड़ा है शेयर किया सी। तो 26 जनवरी तो बाद लगातार फरार चल रहा सी जिसकी की पाल जड़ी है की जा रही सी। पुलिस ने दीप सिद्धू से 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा सी। सो दीप सिद्धू जो कि मुख मुलजम और मास्टर माइंड दसाया गया जो 26 तरीक नू लाल किले से होया उस तो वेले दीप सिद्धू जिथे मौके से मौजूद सी नाल दे नाल उस वालों फेसबुक से इस नू लाइव जोड़ा है पूरी घटना नू विखाया गया से। हालांकि जो तमाम किसान जथेबंदियां किसान संयुक्त मोर्चा उसने दीप सिद्धू नू इस हफ्ते लई जिम्मेवार ठहराया सीगा क्योंकि शांतमई यह आंदोलन किसानों का चल रहा सी लेकिन 26 तरीक नू जो कुछ भी हो उस तो बाद पूरी तरह दे नाल तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है। हरप्रीत बंदेशा दे नाल गल करदे आं। हरप्रीत मुख मुलजम मास्टर माइंड जिहड़ा है दीप सिद्धू नू किया गया हालांकि कई दिनों तो फरार चल रहा सी उसकी पाल जरूर की जा रही थी। हालांकि इस दौरान वो लगातार जड़िया वीडियो सोशल मीडिया से पोस्ट कर रहा सी लेकिन हुन आखिरकार काबू किया गया कि कुछ इस बारे जानकारी है कितों और कदों जड़ा है वो गिरफ्तार होया। कोशिश करते हैं हरप्रीत गल करिए दस दें कि 26 जनवरी लाल किले से दीप सिद्धू मौजूद सी जिसनों की मास्टरमाइंड इस पूरी घटना का दसया जा रहा है। 26 जनवरी तो बाद वो फरार चल रहा सी जिसकी की पाल की जा रही सी। 1 लाख रुपए का इनाम भी दीप सिद्धू से पुलिस ने रखा सी और आखिरकार हुन वो पुलिस की स्पैशल सैल की गिरफ्त में आया जिसको कि हुन यकीनन पूरी तरह के नाल उसकी जांच होएगी पड़ताल होएगी क्योंकि मास्टर माइंड उसको पूरी घटना का दसया गया। हालांकि तमाम जड़े किसान आंदोलन जिन्हों वालों किया जा रहा है जो संयुक्त किसान मोर्चा है जो शांतमय ढंग अपना प्रदर्शन हुण तक करते आ रहे सन लेकिन 26 तरीक की हिंसा तो बाद तस्वीर जी है पूरी तरह बदल गई। हरप्रीत ने एक बार फिर गल कर दिया। हरप्रीत की कुछ जानकारी है जिस दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की खबर आई है कितों और किवें उसको काबू किया गया। जी बिल्कुल जो जानकारी अजे तक मिल रही है कि दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने दीप सिद्धू नू गिरफ्तार किया है। हालांकि अजे तक इसकी लोकेशन जी डिस्कलोज नहीं की गई। मनाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस का स्पैशल सैल जिहड़ा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोपहर बाद इस पूरी जानकारी सब के नाल साझा करेगा लेकिन सब तो वड्डी चीज़ है कि लगातार दिल्ली पुलिस जी सी छापेमारी कर रही थी दीप सिद्धू की तलाशी वास्ते लगातार उन्होंने लभण वास्ते लगातार जी दिल्ली पुलिस काम कर रही थी। वख-वख सूबों की पुलिस के नाल भी जो जानकारी मिल रही है कि राबता कायम किया जा रहा है कि जिहड़ा दीप सिद्धू है उन्होंने अरैसट किया जाए तो उस चलद मनिया जा रहा है कि एक वड्डी काम आज दीप सिद्धू नू अरेस्ट करके मिली है। दीप सिद्धू जो कि 1 लाख रुपए का इनामी सी लाल किला हिंसा दे खास तौर पर जिस तरीके लाल किला से जो कुछ होया जिस तरीके की तस्वीर उत्थे सामने आई शख्स उतो लाइव होंदा है तो उस तो बाद आज दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू नू अरेस्ट कर लिया। मनिया जा रहा है कि दोपहर बाद दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उस सारा वेरवा जिहड़ा वो क्लीयर किया जाएगा कि दीप सिद्धू किहड़ी जगह तो फड़िया गया क्योंकि दीप सिद्धू जिस तरीके दे नाल गायब होया उस तो बाद उन्हें अपने वीडियो अपलोड करने शुरू किए उहदे मतलब भी जानकारी सी कि दीप सिद्धू नू लैके उसकी एक महिला मित्र जो कि किसी बाहरले मुल्क रहिंदी सी उत्थे ये वीडियो इतों शूट किए जाते सन तो फिर ये वीडियो जिहड़े ने वो भेजे जाते सन उस महिला नूं तो वह महिला बाहरले फॉरन चो वो जिहड़े वीडियो सन उन्होंने दीप सिद्धू के पेज से या फेसबुक से या सोशल साइट से अपलोड करती सी इस करके दीप सिद्धू जिहड़ा सी इलैक्ट्रॉनिक सर्विलेंस तो बचण वास्ते इस रस्ते नूं अपना रहा सी लेकिन सब तो वड्डी चीज़ है कि दीप सिद्धू फड़िया गया नाल ही क्योंकि किसान जथेबंदियां लगातार इस गल्ल नूं सवाल चुकदियां रही सन कि आखिर दीप सिद्धू लाल किले तक पहुंचा किवें किस तरीके दे नाल उस पूरी भीड़ नूं लैके उत्थों तक पहुंचा
क्यों नहीं रस्ते च उन्हें रोकया गया, कौन लोग सन जिन्हां ने उन्हें शह दी। अजे फिलहाल तफ्तीश होएगी, उस तो बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन लोग सन जिन्हां ने दीप सिद्धू नूं 15 दिन करीब करीब 15 दिन तक दीप सिद्धू गायब रहा, लभदा नहीं रहा, लभ्या नहीं, पुलिस उन्हें भालदी रही, उसके वास्ते छापेमारी चलती रही, तो कौन लोग सन जिन्हां ने उन्हें शैल्टर दिता, कौन उसके मददगार सन, अजे तक यह भी साफ नहीं हो पाया कि इहदे नाल किसी मददगार नूं गिरफ्तार किया गया या नहीं। अजे तक इसते भी एक सवालिया निशान बनया होया है। लेकिन एक चीज साफ हो गई कि लाल किले हिंसा का जिहड़ा आरोपी जिन्हों सब तो वड्डा कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू, उसे फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, जे दीप सिद्धू के पूरे किरदार से नजर पाई जाए तो लगातार असी वेख्या कि किस तरह वख-वख राजनेताओं के नाल उस दीयां तस्वीरां जिहड़ियां ने ओह जनतक होईयां और उस तो बाद लगातार इस अंदोलन दे विच भी नजर आए। लेकिन 26 तरीक नूं जो कुछ भी होया, जो किसानों वालों अपना ट्रैक्टर परेड कढ़ी जानी सी, जो प्रोटोकॉल सीगा, जिस रूट ते उन्होंने जाना सीगा, बड़े शांतमई ढंग नाल उन्हां दा प्रदर्शन चल रहा सी, लेकिन अजिहे विचकार एक तरह दे नाल पूरा यूटर्न नजर आया लाल किले ते जाके, जिस तरह नाल झंडा फहराया गया, जो हिंसक झड़पां पुलिस नाल होईयां, उस तो बाद जिहड़ा है पूरी तस्वीर इस आंदोलन की बदल गई और किते ना किते जो किसान आंदोलन कर रहे सन उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू हो गए। अजे विचकार संयुक्त किसान मोर्चे ने हालांकि यह सब तो पला चाड़िया, उन्होंने इस दीप सिद्धू नूं इसके लिए जिम्मेवार ठहराया, लेकिन दीप सिद्धू वालों जिस तरह के नाल इस दौरान वीडियो जारी की गई, वो अपने आप नूं बिल्कुल निर्दोष जिहड़ा है कहिंदा होया नजर आया ना वीडियोज़ विच। जी बिल्कुल, दीप सिद्धू नूं बिल्कुल, दीप सिद्धू अपने आप नूं निर्दोष, कल्ला सिर्फ दीप सिद्धू नहीं, दीप सिद्धू तो अलावा लखा सिधाणा, ये दो नाम जिहड़े सन ज़्यादा सामने सन, लेकिन दीप सिद्धू जिस चर्चा च इस करके आया कि लगातार वो एक अपने जिहड़े वीडियोज़ जारी करता रहा, लगातार वो गल करता रहा कि किस तरीके दे नाल उन्हूं जिहड़ा आरोपी बनाया जा रहा, उसका कोई कसूर नहीं, भावुक वीडियो भी उन्हें जारी किया कि नहीं उसका कोई कसूर नहीं हैगा, उन्हूं जबरदस्ती बनाया जा रहा। लेकिन सब तो बड़ा सवाल यह सी कि दीप सिद्धू आखिर इन्ने दिनों तक किवें बचता रहा, कौन लोग सन जिन्हां ने दीप सिद्धू नूं शह दित्ती, की जिहड़ी गल कही जा रही थी कि दीप सिद्धू के जिहड़े राजनेता नाल लिंक ने, क्योंकि बीजेपी गुरदासपुर तो सांसद सनी देओल दे नाल उन्हां दीयां तस्वीरां जिस तरीके नाल उन्हां दी नेड़ता रही है वो जग जाहिर सी, वो सब नूं पता सी, तो उस नूं लैके हमेशा तो सवाल चुके जाते रहे कि सनी देओल दे नाल उन्हां दी नेड़ता, हालांकि सनी देओल ने बिल्कुल इस गल का खंडन करता कि दीप सिद्धू उन्होंने या उन्होंने परिवार नाल कोई तालुक नहीं, उत्थे दीप सिद्धू भी इस गल मना तो मना करते रहे, लेकिन दीप सिद्धू की जिस तरीके नेड़ता रही उसको लैके संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर भी सवाल चुकते रहे कि आखिर की वो बीजेपी या सरकार का नेड़ता उसकी रही है कि वो सरकार दे उसकी नेड़ता सी जिस करके उन्होंने शह मिली, क्योंकि जिस तरीके नाल वो लाल किले पहुँचता, लाल किले पहुँच के फेसबुक लाइव हुंदा है, उसके नाल एक हजूम उहदे नाल भीड़ पहुँचती है, तो उत्ते सीधा सीधा आरोप है कि उन्हें उस भीड़ नूं भड़काया, जिस तो बाद इस सारियां जो तस्वीरां सामने आईयां, चाहे वह झंडा फहराने वाली गल होवे, चाहे उत्थे हिंसा फिलहाल लोकेशन अजे तक डिस्कलोज नहीं की गई कि जगह तो दीप सिद्धू गिरफ्तार किया गया, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, लगातार पुलिस इस भाल सी कि उन्होंने लोगों को फड़िया जाए, तिरंगा जिहड़ा है दी जगह कोई होर झंडा लहराया गया, उसनूं लैके हर एक दी जिहड़ी भावना उस वेले जिहड़ी है आहत हुई सीगी, लेकिन इह शख्स कित्थों आया और की इस दे पिछे इसदी मंशा सीगी, कौन लोग इसनूं लगातार हल्लाशेरी दे रहे सन, इह हुण जदों जांच होएगी, क्योंकि इस विच शायद बहुत होर सारे नाम निकल के आणगे जदों जांच होएगी। जी बिल्कुल, ये जांच का विषय रहेगा कि आखिर वो कौन लोग सन, किन्ना लोगों के कारण ये सब कुछ होया, क्योंकि जो जानकारी मिलती रही लगातार इस मामले दे कि 26 जनवरी की रात को, यानी कि 26 जनवरी सवेर तो पहला 25 की रात को बहुत सारे जो यूथ सन उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे की जी स्टेज से उन्होंने कब्जा लिया, तो उस तो बाद ऐलान उतों किए जाने लग पे कि असी पुलिस के दिते रूट से नहीं जावांगे, हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे ने बिल्कुल साफ किया कि जो रूट साडा तय होया असी उसे रूट से जावांगे, जो गाजीपुर वालों हजूम आया उस हजूम ने भी कुछ बैरीकेड तोड़े, लेकिन उस तो बाद जो राकेश टिकैत या बाकी लीडर लैके निकले वो लोग उस रूट से गए जिहड़ा रूट उन्हों का तय सी, उस रूट तो निकले ने, तो इस करके कितने ना कितने शरारत हुई, कितने ना कितने किसी ने गड़बड़ की, किसी ना किसी ने तो वो हरकत की, जिस करके एक किसानी अंदोलन जो कि पिछले लगभग 3रा महीना उसमें शुरू हो चुका, किसी एक पत्थर नहीं वजा, पत्ता नहीं टुटा, अचानक एड्डी वड्डी हिंसा हो जाना, अचानक इन्ना कुछ हो जाना,
आखिर वह जिम्मेदार कौन। तो जिस तरीके दीप सिद्धू सामने आया, जिस तरीके दीप सिद्धू दी तस्वीर सामने आई, हालांकि दीप सिद्धू लगातार अपने आप में बेकसूर कहता रहा, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे वालों हमेशा तो कटघरेज खड़ा किया गया, उससे आरोप लगते रहे कि उसने इंस्टिगेट किया जिसके कारण यह सारा कुछ होया। जांच का विषय रहेगा, उस तो बाद जी तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन लाल किला हिंसा का आरोपी जोड़ा है दीप सिद्धू, उन्होंने फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लोकेशन डिस्कलोज नहीं हुई। दोपहर बाद मनिया जा रहा है कि एक स्पैशल सैल जोड़ा है डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उस तो बाद जी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस पूरे जोड़ा घटनाक्रम होया किमें होया किस जगह तो दीप सिद्धू अरैसट किया गया, वो तस्वीर उस तो बाद साफ होएगी। लेकिन एक एक तो पिक्चर बिल्कुल क्लीयर है, एक तस्वीर बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके दे नाल दीप सिद्धू गिरफ्तार होया है इस नाल वो कड़ियां जरूर जुड़ खुलनगियां, इस नाल वो तस्वीर जरूर साफ होएगी। जिस तस्वीर ते अजे तक सब तो वड्डा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर उस हिंसा के पिछे की कौन सी, आखिर उस हिंसा के पिछे मकसद की सी, कि किसानी अंदोलन नू बदनाम करना सी, कि जिस तरीके नाल खास तौर पर सिख कौम नू टारगेट किया गया कुछ कुछ अंसरां वल्लों, कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वल्लों, कुछ लोगों वल्लों, कि सिख कौम नू टारगेट करना सी या यह पूरे देश दे विच एक धार्मिक उन्माद संप्रदायिकता वाले बिल्कुल जो हालात 26 तारीख तो बाद बदले हरप्रीत ओ सब दे सामने सी। खास तौर ते जो आंदोलन जिस तरह तुसी भी जिक्र कर रहे हो कि हुन तीजा महीना जड़ा है होने वाला जदों की आंदोलन शुरू होया दिल्ली दे बॉर्डरां ते और बड़े शांतमय ढंग दे नाल किसी नूं कोई जड़ा है नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं होया, लेकिन इस घटना तो बाद सवाल उठने शुरू हुए इस आंदोलन से, उंगलां उठनिया शुरू हुई कितने ना कितने शक के घेरे में आए, जिस तो बाद पूरा आंदोलन क्योंकि उस तो बाद गलबात का सिलसिला भी सरकार के नाल टुट गया और तलखी जड़ी है वो लगातार आई और हालात ऐसे कि इस वेले दिल्ली के बॉर्डर जड़े ने वो पूरी तरह के नाल सील बंद किए गए ने, किले में तब्दील करते गए ने। जी बिल्कुल, जेकर असी देखिए तो लगभग तीन महीने दिल्ली की बरूहां ते बैठे किसानों नूं हो चले ने, उस पूरे तीन महीनों के दौरान साडियां अपनियां पीटीसी दी नैटवर्क दी टीमां असी लोग वक्रे वक्रे बॉर्डरस ते कवर करते रहे हां, वक्रे वक्रे लोगों नाल गल कीती, कदी ये नहीं लगा कि कोई हिंसा की गल होवे, कदी कोई उत्थे इहो जिहा माहौल होवे कि उह माहौल खराब हो रहा है, कदी कोई डर वाला माहौल होवे, लेकिन अचानक इन्ना वड्डा काम हो जाना, अचानक इहो जिहियां चीज़ां निकल के सामने आउणियां, अचानक एडी वड्डी हिंसा हो जाना, भनतोड़ हो जाना, लोगों का लाल किले वाद वज जाना, कि यह महज एक संयोग सी, कि यह महज एक इतफाक सी, कि ये लोग चले गए, कि महज क्योंकि जेकर तुसी शायद मैनू भी पुछो कि जेकर मैं नांगलोई तो आ रहा या मैं सिंघू बॉर्डर वालों आ रहा तो मैं खुद लाल किले पहुंच जावां, तो पिछले 10-12 साल के करियर शायद मैं अपने आप लाल किले नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैनू रस्ता नहीं मालूम, शायद मैनू भी GPS यूज करना पेगा, लेकिन वो लोग अचानक सीधे उत्थे किवें पहुंच गए, किवें उहड़े पंजाब तो जिहड़े युवा आए सन या यूथ आया सी जो ट्रैक्टर से उन्होंने रस्ता किवें पता सी, वो लोग किवें पहुंचे, ये बड़ा वड्डा सवाल है कि आखिर कौन लोग सन जिहड़े उन्होंने लैके गए, कि वो लोग इसे हिंसा के जिहड़ा जिन्होंने हिंसा करवाई, कि ये वो लोग सन कि दीप सिद्धू जिहे लोग सन जिन्हों का उत्ते आरोप लगते पे ने कि उन्होंने हिंसा करवाई, कि दीप सिद्धू का सारा काम सी, हुण ये सारिया चीज़ां जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन का मामला रहेगा, इन्वेस्टिगेशन तो बाद तस्वीर साफ होएगी, लेकिन जाहिर तौर पर लाल किले हिंसा का जिहड़ा मुख आरोपी जिहनूं दीप सिद्धू नूं कहा जांदा रहा बिल्कुल उसनूं हुण काबू किया गया है यकीनन हरप्रीत, क्योंकि होर बहुत सारे लोग लुड़ींदे ने जिन्हां ते इनामी राशि रखी गई है, सो उम्मीद यह भी हो सकती है कि छेती ही वह तमाम लोग भी जिहड़े ने पुलिस के हत्थे चढ़नगे स्पैशल सैल वालों। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार कोशिशों ने कि जिहड़े लोग इन्हां दे विच जिहड़े कि चार जिहड़े ने 50,000 दे इनामी ने ते चार जिहड़े ने उन्हां चों 1,00,000 रुपए दे इनामी ने, तो दोवां पासों एक एक शख्स जिहड़ा हुण गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है पंजाब दे वख-वख कोनियां जिथे तों लोग रहण वाले ने, पंजाब पुलिस नूं नाल लै के छापेमारी जिहड़ी है कीती जा रही है, तस्वीर वो तो साफ होएगी जदों सारे लोग अरैसट हो जाएंगे, उस तो बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस दे पूरे कारनामे के पिछे वो कौन लोग सन, लेकिन जिस तरीके दे नाल ये पूरी लाल किले दी हिंसा हुई ये कहना शायद गलत नहीं होएगा कि बिना प्री प्लानिंग तो एडा वड्डा काम नहीं हो सकता, बिना किसी सपोर्ट तो यह काम नहीं हो सकता, तो कि वो सपोर्ट दीप सिद्धू वालों से, क्योंकि दीप सिद्धू का उत्थे पहुंचना लाइव होना, क्योंकि दीप सिद्धू ते आरोप ही सब तो वड्डा है कि उन्हें उस यूथ नूं उन्हें उस भीड़ नूं उकसाया जिस तो बाद ये सारा कांड होया, क्योंकि जेकर सूत्रां दी मनीए तो लगभग 11:30 बजे के करीब लाल किले ट्रैक्टर पहुंचने शुरू हो चुके सन, तो उन्ना चिर तक उत्थे कुछ भी इहो जिहा हंगामा क्यों नहीं होया, कि यह सारा एक प्लान सी कि ये लोग उत्थे पहुंचणगे तो उस तो बाद सारी हरकतां होणगियां, ये तो सवाल बड़े सारे ने जिहड़ा कि हुण जांच का विषय रहेगा, जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस इन्हां मामलों बड़ी कैपेबल है, दिल्ली पुलिस इस पर जांच करेगी,
तो उस तो बाद जड़ी ये तस्वीर वो साफ हो पाएगी। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस विच काबिलियत है कि वो चीजां जड़ा है इस पूरे मसले नू सुलझाएगी। लेकिन हरप्रीत, ये जो घटना वापरी है 26 तारीक नू, तो दिल्ली पुलिस ते भी कई सवाल खड़े हुए कि जिस दिन 26 जनवरी देश गणतंत्र दिहाड़ा मना रहे, सिक्योरिटी जड़ी है वो ज्यादा सख्त होंदी है उस दिन, अजे विचकार किस तरह दे नाल ये संभव होया कि इन्नी वड्डी गिनती च लोग जड़े ने वो लाल किले वल वधे, जदों कि पहला ही कुछ खर्चे जाहिर भी किए जा रहे सन, लाल किले तक पहुंच गए और इस तरह दे नाल हालात बने कि जान और माल दोनों नुकसान होया। देखो बिल्कुल, इस गल च कोई इतराज नहीं, इस गल च कोई शक सुभा भी नहीं कि आखिर इन्नी वड्डी गिणती च लोग लाल किले या उन्होंने सड़कों पर किवें पहुँच गए, उन्होंने इलाकों किवें पहुँच गए जिथे चिड़ी भी पर नहीं मार सकती, खास कर तौर पर 26 जनवरी वाले दिन, कि 26 जनवरी वाले दिन जिथे इन्नी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होंगी है, इन्नी तकड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही है, उन्होंने हालातों के ये लोग किवें पहुंचे, इस गलते भी जरूर सवाल ने। दूसरी चीज़ जो चेहरा दिल्ली पुलिस का सामने आया, हालांकि दिल्ली पुलिस के भी 500 मुलाजम जड़े ने जख्मी हुए, काफ़ी सट्टा उन्होंने लगियां, बिल्कुल उस गल इनकार नहीं किया सकता, लेकिन जो तस्वीरें दिल्ली पुलिस वालों भी सामने आई, जिस तरीके साडे सहयोगी जसमीत उत्थे सन, जिस तरीके उन्होंने नाल विजुअल होए, उन्होंने भी डंडा लगा, उन्होंने भी सट लगी, साडे कैमरामैन राम बहादुर वो जख्मी होए, एक शख्स जिन्होंने इन्नी बुरी तरीके पुलिस ने कुटिया मारिया, उन्होंने दस्तार की बेअदबी उत्थे हुंदी है, वो जिहड़ियां तस्वीरां सामने आई उन्होंने गल्लां नूं कितें भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल उस थां ते अपने आप नूं इक वे कि वह बिल्कुल बच जाती है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस की एक गल जरूर शलाघा बनती है, एक गल की जरूर दिल्ली पुलिस की भी तारीफ है कि दिल्ली पुलिस ने बहुत ज्यादा संयम जिहड़ा वरत्या, बहुत ज्यादा उन्होंने संयम वरत के इस पूरे मामले नूं डील किया, इस गल नूं ते बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सब तो वड्डा सवाल ये कि आखिर ये लोग जेकर लाल किले पहुंचे तो उत्थे बल का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं उतों इन्होंने लोगों को हटाया गया, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई कि उस तो बाद लाल किले गोली भी चली, सुखबीर सिंह बादल ने यह दावा किया कि जिस शख्स ना मुलाकात करके आए सेंट स्टीफनस हॉस्पिटल गोली ना जख्मी होया पट्ट गोली लगी, तो इस करके एक बहुत सारे अजे जे एंगल ने वो इस पूरी कहानी के मौजूद ने, यह सारा जांच का विषय रहेगा, उस तो बाद बिल्कुल जांच जो होगी तो परतं जड़िया ने खुलन गया। लेकिन हरप्रीत, कित ना कि मनशावां ते सवाल खड़े हर घटना से हो रहे ने, जिस तरह के नाल जे सिर्फ ये जो लोग पहुंचे सड़कों से जिथे लाल किले से उन्होंने झंडा फहराया, लेकिन उस तो बाद जो लाल किले भंग तोड़ की गई, जिस तरह सारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, वह सवाल कि आखिर इस हासिल किया, तुम मौके से उदों पहुंचे, तुम तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाई, किस कदर नुकसान जड़ा है इतने पहुंचाया गया। जी बिल्कुल, उन्होंने तस्वीरों कितें भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, जेकर उन्होंने शर्मनाक किया जाए तो उस भी कोई शायद गुरेज नहीं होएगा, जिस तरीके की तस्वीर सामने आई सी, किस तरीके उत्थे भनतोड़ हुई, किस तरीके जो पूरा टिकट काउंटर उन्हें तोड़िया गया, जिस तरीके उत्थे जी QRT की CRP की गड्डी सी उन्हें भन्नया गया, अंदर खलोती बस तोड़ी गई, कोई एक तो दो झांकियां भी जी, हालांकि झांकियों बहुत घट नुकसान होया, लेकिन एक दो झांकियों भी जी थोड़ी सी भनतोड़ सी, लेकिन तस्वीर एक चीज़ बिल्कुल साफ सी कि आखिर उस भीड़ इन्ना ज़्यादा उन्मादी किन्ने करवाया, उस भीड़ ने ज्यादा इंस्टिगेट किन्ने किया कि उन्होंने पूरा टिकट काउंटर भन दिता, जिस तरीके अंदर जितों लोग अंदर जाते हैं लाल किले के जो ऑडियो विजुअल रूम से जो उन्होंने रिसेप्शन से उत्थे जिस तरीके भन तोड़ होंगी, जी एक्सरे मशीन से जो मेटल डिटेक्टर के गेट सन उन्होंने उत्थे भन्या जाता, आखिर उन्होंने भन के की मिले, आखिर उसके पिछे मकसद की सी, उस पूरी भन तोड़ के पिछे की कुछ संदेश वो लोग देना चाहते सन, यह बड़ा वड्डा सवाल ने। जो तस्वीर सामने आई ने, जो भन तोड़ के लोगों दी जो तस्वीर भी सामने आई ने, जाहिर तौर पर वो लोग अरेस्ट हो गए, जाहिर तौर पर पुलिस तस्वीर सारिया की जारी हुई ने, और उन्होंने भी पाल जी है यकीनन पुलिस कर रही है ता जो उन्होंने काबू किया जाए, सो कई मामले दर्ज होने, लुकआउट नोटिस उस तो बाद जारी हुए। रमन भी साढ़े सिंगू बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। रमन, इस वेले की बहुत अहम खबर, दीप सिद्धू जिसने कि पूरे संदोलन की रूपरेखा ही एक तरह की कह सकते बदल दी, जो शांतमई प्रदर्शन पिछले 2 महीनों तो उपर तो चल रहा है, अचानक 26 तारीक न हिंसा होनी जिस तरह नुकसान पहुंचाया गया, जान माल का नुकसान होया, अजे विचकार दीप सिद्धू से मास्टर माइंड होने की गल जी है लगातार कही गई, और अज तकरीबन 15 दिन की भाल तो बाद काबू कर लिया गया। जिरा तो बिल्कुल सब तो वड्डी खबर हैगी, क्योंकि जदों 26 जनवरी का प्रोग्राम लिखा गया ट्रैक्टर मार्च का, तो उस समय किसान आगुआ ने जिहड़ा बकायदा रूट मैप दिल्ली पुलिस तो लिया सी, दिल्ली पुलिस नाल एक रूपरेखा दे तैयार लिया गया जिहड़ा रूट मैप सी, उसे ते जाण दी गल कही सी, पर दीप सिद्धू वालों जिहड़ा हैगा वह रूट मैप तो हट के जिहड़ा हैगा लाल किले लजाया नौजवान ले जाया गया, उत्थे जाके जिहड़ा हैगा धार्मिक झंडा जिहड़ा लहरा दिता गया, उन्हां दी वीडियो भी जिहड़ी हैगा बकायदा तौर पर सामने आईआं, किते CCTV फुटेज सामने आई कि किवें जिहड़े हैगे ने उत्थों निकलदे दिखाई दिंदे ने इक मोटरसाइकिल ते। तां इस तों पहलां जेकर असीं एक दिन पहलां दी गल करीए, 25 जनवरी की गल करिए, 25 जनवरी देर रात जिहड़ा हैगा मंच ते जिहड़ा संयुक्त मोर्चे वालों मंच चल रहा सिंघू बार्डर ते, उत्थे कब्जा किया गया सीगा कुछ लोगों वालों, उस दे विच दीप सिद्धू भी
भी शामिल सी। उस समय भी इतराज़ जाहिर किया गया जथेबंदियों वालों के साडा जिहड़ा मंच हुण जिहड़ा हैगा इन्हां लोकां वालों नौजवानां नूं जिहड़ा हैगा गुमराह करके जिहड़ा हैगा कब्जा किया जा रहा है। तो अगले दिन का जिहड़ा जदों मार्च हुंदा ट्रैक्टर मार्च हुंदा तो उस समय जिहड़ा हैगा दीप सिद्धू जिहड़ा हैगा उह नौजवानां दे नाल वेख्या जांदा और झंडा लहराउंदा जिहड़ा हैगा उत्थे अंदर वड़दे लाल किले दे उपर जांदे दीप सिद्धू दीआं वीडियो जिहड़ियां सामने आईआं तां दिल्ली पुलिस वालों केस दर्ज किया जाता है। लंबी जदोजहद तो बाद आखिरकार जिहड़ा हैगा स्पैशल सैल वालों जिहड़ा हैगा एक टैक्नोलॉजी जरिए क्योंकि इन्हां दी एक महिला फ्रेंड दसी जाती है महिला मित्र जो कैलीफोर्निया दे विच बह के इत्थों जिहड़ियां वीडियो भेजियां जांदियां सी उसनूं फेसबुक ते अपलोड करदी सी। लगातार पुलिस भाल के पुलिस वालों भाल जा रही सी। 1 लाख रुपए का जिहड़ा इनाम जिहड़ा रख्या गया सीगा वो लगातार दिल्ली पुलिस अपने स्पैशल सैल दे राहीं पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस काबू कीता और रमन ए वी हुण उम्मीद कीती जा रही कि जिहड़े बाकी लोकां ते वी नाम रखे गए ने होर लोक जिन्हां दी भाल हो रही है वो भी छेती काबू होणगे। असीं इह गल्लबात और खास खबर ते साडी नज़र लगातार बनी रहेगी।